हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और लॉकडाउन के समय का अच्छे से यूज कर रहे होंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। जो इग्नू के MHI 05 वाला पेपर है उसके अंदर ये टॉपिक आता है, और उसके अलावा ये UPSC में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस के हिसाब से भी, और साथ में ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो इसके अंदर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जब हम एनिशियंट हिस्ट्री के ये टॉपिक है जो, इसमें फैक्चुअल चीजें बहुत है, ठीक है, कुछ चीजें नाम याद रखने वाली, ठीक है। तो इसके अंदर हम ज्यादा ट्राई करेंगे कि कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छे से क्लियर कर सके। जब मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूं तो इसमें हमें क्या पता लगता है इस वर्ड में, मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बेसिक चीज से बेसिक चीज कवर करेंगे, तो बिल्कुल वही बात करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, एक तो इसका नाम और एक सिविलाइजेशन है ये। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड अ कल्चर, यू नो कल्चर और सिविलाइजेशन में बहुत डिफरेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। संस्कृति है, ठीक है, और सभ्यता, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। ये आपको चलो होमवर्क, आप पता करना कि ये क्या है सिविलाइजेशन और क्या नाम कल्चर में क्या डिफरेंस होता है। अगर जिसने मेरे को लगा कि बढ़िया आंसर दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं ट्राई करूंगा इस पर अच्छी वीडियो बनाऊंगा, एक बेहतरीन वीडियो। मतलब सिर्फ ये तो MHI 05 से रिलेटेड है, तो मतलब ताकि उसका वो कवर हो सके उनका टॉपिक, तो इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें हम ट्राई करेंगे कि बस फोकस करें कि उसमें जो कि इम्पोर्टेंट है उसी टॉपिक को अच्छे से डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, कोई सभ्यता का विकास एक कारण से नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जिससे कि एक सभ्यता बनती है, ठीक है। जब हिस्ट्री स्टार्ट होते हैं ना, हम कहां से स्टार्ट करते हैं कि एक पाषाण काल आया था। पाषाण काल में हम उसे तीन भागों में बांटते हैं कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर पूरा पाषाण काल को भी हम बांटते हैं कि निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल एंड उच्च पूरा पाषाण काल। तो ये सब टर्म्स छोड़ो, आप ऐसे समझो कि एक पहले मानव थे, वो कैसे, पहले बंदर थे, वो धीरे धीरे मानव बने, अब हमारे जो पूर्वज थे वो बंदर ही थे ना। तो एक सभ्यता है, कैसे उसका विकास कैसे हुआ, पहले पत्थर थे, पत्थर से हम यूज किया, फिर पत्थर को हमने काटा, उसको शेप दिया, उसको फलक का रूप दिया, उसको काट के उसको और क्वार्टर्स टाइप के बनाए, उसको और शार्प किया, फिर शार्प किया तो उससे हम क्या करते थे, उससे प्रोडक्शन में यूज किया करते थे, उससे उससे मतलब खोदा करते थे ताकि उससे फिर प्रोडक्शन हो सके, मतलब खेतों में वगैरह में। फिर उसके बाद उसी पत्थर से थोड़ा और दिमाग लाया, तो जब उन्होंने फ्रैक्शन किया तो आग उत्पन्न हो गई, तो फिर ये नवपाषाण काल के टाइम पे आग होने लगी। फिर आगे चलोगे थोड़े थोड़े टाइम बाद देखोगे तो लोहे का 1000 BC के अराउंड लोहे का भी आ गया था, फिर लोहा आ गया तो फिर प्रोडक्शन बढ़ने लगा। जब लोहा आ गया, प्रोडक्शन बढ़ने लगा, तो पहले लोग क्या करते थे, प्रोडक्शन खुद के लिए करते थे, और जब प्रोडक्शन खुद के लिए करते थे तब तक तो मतलब आत्मनिर्भर हो चुके थे। जब लोहा आ गया तो प्रोडक्शन खुद के अलावा जब एक्सटेंशन होने लगा, एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन होने लगा, एक्सटेंशन हो गया, प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा, तो खुद के लिए कर ही रहे हैं, साथ में एक्स्ट्रा बच रहा है, तो एक्स्ट्रा बच रहा है तो वो सोसाइटी के लिए करने लगे। फिर जब और ज्यादा टेक्नोलॉजी आ गई, जब ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा, जब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा, तो जो खुद के लिए तो था, सोसाइटी के लिए हुआ, और हो रहा है तो हम अब उसे एक्सपोर्ट करने लगे। तो ये चीजें डिफरेंस होती है, एक सभ्यता होती है, उसका क्रम होता है, इसका विकास होता है, उसकी चेन होती है। तो इसी तरीके से एक सभ्यता का विकास होता है। जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूं तो सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बात है कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि पहली जो साइट मिली थी वो मिली थी हड़प्पा, ठीक है, इसलिए उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। बहुत सारे इसमें साइट में पढ़ते हैं, बहुत सारे साइट इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा है, मोहनजोदारो हो गया, धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, ठीक है, बनावली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, कोटदीजी हो गया, बहुत सारी साइट्स हैं, सबके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें जो मतलब इम्पोर्टेंट है उसे पढ़ेंगे, क्योंकि इग्नू वाले पेपर में जितना मेरे को ध्यान है उसमें इतना ज्यादा मतलब नहीं लिखना होता, उसको आपको चीजें पता होगी, तो चीजें पता होगी तो उसको आप क्या करोगे, सभी को कलेक्ट करके अपने वर्ड्स में लिखोगे तो बहुत अच्छा मिलेगा। और ट्राई करना कि खुद की लैंग्वेज में लिखो, ताकि ना एग्जामिनर तक आपकी बात पहुंच सके, और जब आपकी बात पहुंचेगी सिंपल वर्ड्स में लिखोगे तो आपको मार्क्स बहुत बेहतरीन मिलेंगे,
सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छे मिल गए। और MHI 05 तो सबसे इजी पेपर है, सबसे इजी पेपर है MHI 05 फर्स्ट ईयर में। तो अब इसे हम स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका एरिया आपको पता कितना है? 1,299,600 स्क्वायर किलोमीटर, 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर माना जाता है, ठीक है। और इसके जो शेप है वो त्रिभुजाकार माना जाता है, ठीक है। इसके अंदर हम बहुत सारे साइट्स पढ़ेंगे, तो जिसमें एक स्टार्ट करते हैं, चलो बेसिक से बेसिक चीजें से, कुछ फैक्चुअल चीजें है इसलिए इसको साथ में रखना पड़ेगा मेरे को देखने के लिए कि ये पहले जो डिस्कवर हुई थी 1921 में हुई थी, ठीक है। और हाँ, इसकी लिपि बताता हूँ आपको। लोग कहते वैसे ये ना चित्रात्मक लिपि है, बोस्टोफेडन लिपि में लिखी गई है, बोस्टोफेडन में लिखा गया है। और जैसे कुछ वर्ड्स में लिखा नहीं गया, ये चित्रात्मक है, मतलब पिक्चर्स के रूप में लिखा गया है। और जो भी है कुछ वर्ड्स वगैरह जो कुछ कह रहे हैं, जो लिपि जो बोला जाता है वो बोस्टोफेडन, जो कि राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट, देन लेफ्ट टू राइट, सो ऑन, ये चलता रहता है। तो एक तरीके से देखोगे तो आप ऐसे सर्पिलाकार इसकी शेप बनती है। इतना बात क्लियर हुई। फिर हम बात करते हैं कुछ साइट्स की, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे कौन कौन सी साइट्स। और जब मैं हड़प्पा का डिवाइडेशन कर रहा हूँ तो पूर्व हड़प्पा आता है और हड़प्पा कालीन आता है, और हड़प्पा के बाद की अवस्था होती है, तीन अवस्थाएं मानी जाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ हड़प्पा की, हड़प्पा जो साइट है, पहली हड़प्पा की साइट के बारे में पढ़ेंगे। कौन सी नदी के किनारे हैं? तो ये रावी नदी, नदी के किनारे है, राइट बैंक ऑफ रावी रिवर, उधर ये स्थित है, ठीक है। और इसमें दूसरी बात हम पढ़ेंगे, इसकी खोज किसने की? देवराम साहनी साहब थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। और इसे हड़प्पा साइट क्योंकि पहली साइट थी, मैं बताया इसके नाम पे इसका नाम पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सिटी ऑफ ग्रीनरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12 ग्रीनरी मिले, मतलब कि अन्नगार की सिटी, बहुत सारा यहाँ पे ग्रेन होता था, तो इसलिए उसको ये सिटी ऑफ ग्रीनरी भी कहते हैं। यहाँ पे 12 ग्रीनरी मिली है हमें, ठीक है। और एस टाइप की सीमेंट्री फाउंड हुई है, सेंटर बाउंडेड बाय द फोर्टिफाइड वॉल कॉल्ड सिटाडेल। हड़प्पा हैज बीन रिटन एज हरियप्पा, ऋग्वेद में हरियप्पा लिखा गया है इसे, ठीक है। जब मैं हड़प्पा की बात कर रहा हूँ ना, तो आप ये सोचो कि एक ऐसा स्थान है जिसके नाम पर सभ्यता का नाम पड़ा है, तो ऑब्वियसली वो इम्पोर्टेंट तो होगी सही, ठीक है। और जब मैं बात कर रहा हूँ इसकी खोज किसने की, तो आपको मैंने बताया साहनी साहब ने की, दयाराम साहनी, यही नाम था ना उनका, देवराम साहनी, ठीक है। और नदी पता होना चाहिए आपको, इरावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। हड़प्पा इरावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो एक्चुअली ना, मोहनजोदड़ो पे फिल्म भी मिली बनी है, आपने देखी होगी ऋतिक रोशन की, तो उसके अंदर आपको अगर थोड़ा ध्यान से देखी होगा आपने मूवी, तो वहां के जो हाउस देखे होंगे आपने, घर देखे होंगे, पूरे शेप में बने हुए हैं, एक स्ट्रक्चर में बने हुए हैं, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा साइट, अभी जब आपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में लिखा ना, तो आप कैसे भी आंसर लिख सकते हो, सारी विशेषता को एक क्वेश्चन में डाल दो जितना याद हो, नंबर मिलेंगे। अगर पर्टिकुलर साइट्स का पूछा है तो आप साइट वाइज देख दो। वहां की जब मैं सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ ना, तो जो सबसे खूबसूरत बात पता क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की? टाउन प्लानिंग। जी, टाउन प्लानिंग, क्योंकि उसमें सड़कें थी जो वो समकोण पे काटती थी, समकोण मतलब 90 डिग्री एंगल पे, एक सड़क ऐसे की, एक सड़क ऐसे की, पॉइंट बीच में सड़कें समकोण पे काट रही है। वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, मतलब नालियां ढकी हुई होती थी, कोई घर से निकले नाली और सभी जो बाहर के घर से एक नाली से जुड़े हुए हैं, और उसके बाद वो नाली जाके एक बड़े मेन हॉल में जाके वो जा रही है, और वो ढकी हुई है ताकि सफाई का ध्यान रखा जाए, ताकि हेल्थ सर्विसेज का ध्यान रखा जाए। तो हेल्थ सर्विसेज उसके जो उस टाइम पे जो सिविलाइजेशन थी इतनी ज्यादा बेहतरीन नहीं थी जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसलिए इसे ये कहते हैं कि आज तक ये सर्वाइव कर रही है, ठीक है। इतनी खूबसूरत सभ्यता, इतनी ज्यादा परिपक्व सभ्यता और कोई देखने को नहीं मिलती जितनी की सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलती है, ठीक है। 90 डिग्री एंगल पे काटती है, टाउन प्लानिंग खूबसूरत है, और जो गेट माने जाते हैं ना, तो कहते हैं कि गली में पीछे की तरफ खुलते थे, जैसे नॉर्मली आप गली में खुलते हैं ना, वैसे नहीं, पीछे की तरफ खुलते थे, मेन रोड से पीछे की तरफ खुलते थे गली में, ऐसा था, सॉरी गली में ही खुलते थे पीछे की ओर, मेन रोड से पीछे की ओर। अब तो इस मेन रोड पे हमने गेट खुलते हैं ना, मेन रोड पे नहीं खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। तो जल प्रबंधन प्रणाली सड़क समकोण पे काटती थी, और स्वच्छता का
अच्छे से ध्यान रखा गया था। ये तीन बातें बहुत अच्छी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। वहाँ पे ग्रेट ग्रेनरी भी मिली है, ठीक है। और ग्रेट बात और ग्रेट ग्रेनरी ना, वैसे ग्रेट ग्रेनरी जैसे मैंने बताया कि आपको हड़प्पा में 12 मिली है, वैसे एक जो ग्रेट ग्रेनरी बोली जाती है वो मोहनजोदड़ो वाली बहुत फेमस है, और वहाँ पे ग्रेट बाथ भी मिले हैं। जो बाथ मिला है मतलब विशेष स्नानागार, बाथरूम है बहुत बड़ा सा, इसे ग्रेट बाथ बोला जाता है। तो वो माना जाता है कि जो रिचुअल्स होते हैं जो कि रिलीजियस थे उससे रिलेटेड था। मतलब एक बड़ा सा बाथरूम है और वहां पर एक स्विमिंग पूल है, तो और वहां पे एक मंदिर भी है जैसे, ठीक है। तो पूजा करने से पहले वहां पे लोग बाथ ले लेते थे। धार्मिक बहुत धर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है वो ग्रेट बाथ, ठीक है। और जब मैं बात कर रहा हूँ मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो में जैसे वो रावी नदी के किनारे था, तो ये जो अपने बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो, ये इंडस रिवर के किनारे हैं, ठीक है। इंडस रिवर सिंधु नदी के किनारे हैं, सिंधु नदी के किनारे हैं। और इसके बारे में थोड़ी फैक्चुअल चीजें हम पढ़ लेते हैं। ये मैंने बताया कि इस मृतकों का टीला भी कहते हैं, ठीक है, माउंड ऑफ द डेड। और आर डी बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की थी। ये मॉडल सिटी ऑफ एंटायर आईबीसी मान जाता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे ज्यादा जो मॉडल सिटी है वो है हमारी ये मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो ग्रेट ग्रैंडरी मिली, मैंने बता दिया आपको, ग्रेट बाथ वाले भी बता दी। यहाँ पे एक सील मिली है पशुपति शिव की मान जाती है, जिसमें वो की योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। और जो इसके उनके जो जानवर है आसपास वो है एलिफेंट, टाइगर, बफेलो, राइनो एंड दो डियर, दो हिरण है उनके पैरों के पास। सो दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग, यू नो, आपको पता होना चाहिए कि कोई जो फैक्चुअल चीजें हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि जो पशुपति शिव की जो मानी गई है वो अपने को जो सील मिली है वो कहाँ पे मिली है, वो हमें मोहनजोदड़ो में मिली है। और कहा जाता है कि एक ब्रोंज इमेज ऑफ अ डांसिंग गर्ल, एक कांसे की अपने को इमेज मिली है जो कि डांसिंग गर्ल की। और अभी मैं आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड जो करंट में न्यूज थी, अभी पिछले साल की बात है, साइंटिफिक ये कह लो स्टडी थी, उसे बोला गया कि जो ब्रोंज इमेज थी ना वो और किसी की नहीं, पार्वती की थी। सो यू कैन रिमेम्बर कि जो शिव और पार्वती दोनों के जगह, मतलब पशुपति शिव वाली जो सील और पार्वती माता की जो, यहाँ पे तो इमेज लिखा हुआ है, कहीं कहीं इमेज लिखा हुआ है, कहीं कहीं मूर्ति लिखा गया, तो वो जो है वो पार्वती की थी, ठीक है। जो ब्रोंज इमेज थी या ब्रोंज जो भी आपके तो मूर्ति थी वो क्या नाम मोहनजोदड़ो से हमें मिली है। सो दिस इज यू नो सिंपल थिंग्स, आपको पता होना चाहिए। जो ETBR याद रख लेना, एलिफेंट, टाइगर, बफेलो एंड राइनो, और डियर तो जो है दो पैरों के पास, तो ये शिव मतलब जो सील के ऊपर अंकित है, ठीक है। और इसके बारे में आपको कुछ खास पढ़ने वाली बात है नहीं। हाँ, वो एक योगी वाली मिला है, उसमें बियर्ड उसकी ऐसे शेप दे रखी है, माना जाता है कि राइट टू लेफ्ट उसने वो कपड़ा सा पहना हुआ है एक ऐसे इस शेप में, जैसे लेडीज साड़ी पहनती है वैसे ही वो राइट कंधे पे, आई थिंक वो दुपट्टा सा या फिर जो टॉवल सा कुछ भी कह दो वो लपेटा हुआ है। सो ये ऑप्शनल में पढ़ते हैं, इतने डीप इसमें नहीं पढ़ते, नॉर्मली लिख देना आपने योगी की मुद्रा मिली है या फिर कोई मूर्ति मिली है, बस बात खत्म करो। फिर चंदूड़ो पढ़ते हैं, चंदूड़ो भी बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। ये राइट बैंक ऑफ अ रिवर ऑफ इंडस, और क्योंकि मोहनजोदड़ो वाला जो इंडस रिवर है ना वो लेफ्ट बैंक पे था, और अब राइट बैंक है रिवर का इंडस का, तो वो हो जाएगा चंदूड़ो। और ये एकमात्र ऐसी जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहां पर सिटाडल नहीं पाया गया है, जहां पर कोई दुर्ग नहीं पाया गया है, ठीक है। दुर्ग वैसे देख रहे हैं ना सिंधु घाटी सभ्यता में तो दुर्ग बहुत पाए गए हैं, और सिर्फ चंदूड़ो है जहां पर दुर्ग नहीं पाया गया। और जो दुर्ग सामान्यतः बात करूं, जनरली बात करूं, वेस्ट साइड में एक दुर्ग होता था, ठीक है, और जो ईस्ट साइड में ना नॉर्मल लोगों के घर होते थे। जो दुर्ग होता था वो ऊंचाई पे होता था, यहाँ पे दुर्ग है, यहाँ पे लोगों का घर है। तो देखो शेप कैसे बन रही है, समकोण त्रिभुज जैसी बन रही है। तो जो वेस्ट साइड में जो दुर्ग था वहां पे माना जाता है कि जो सरदार रहता था, जो कि शक्तिशाली राजा था वो रहता था, और जो ईस्ट साइड में है वहां पे जनरल लोग रहते थे। लेकिन है ना कहीं भी ये लिखा नहीं गया कि राजा का कोई शासन था वहां पे। लेकिन जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो इतनी बड़ी सभ्यता बिना किसी केंद्रीय शक्ति सेंट्रल पावर के ऑर्गेनाइज रह सकती है या इतना सर्वाइव कर सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। सो माना जाता है कि कोई ना कोई शासन था,
कोई ना कोई ऐसी पद्धति थी जिससे कि जो इसके ऊपर शासन करता था, जिससे ये ऑर्गेनाइज्ड रहे, जिससे ये सर्वाइव कर सके, जिससे इनका भरण पोषण हो सका। ठीक है, ये इतना सा मैंने आपको बताया। इसमें सिंधुड़ो मैंने बता दिया कि एकमात्र ऐसी साइट है जहां पे कोई दुर्ग नहीं मिला है। एम जी मजुमदार साहब ने इनकी खोज की थी, और राइट बैंक ऑफ इंडस रिवर ये स्थित है। ठीक है, इट इज ऑल्सो द साइड वेयर ओनली स्टोन्स एंड नो ब्रिक्स वर यूज्ड। मतलब यहाँ पे सिर्फ ऐसी जहां पे किसी ईंटों का यूज नहीं कर रखा, पत्थरों का मतलब यूज वगैरह वाला बात कर रखी है। फिर इसने कहा कि इमेज ऑफ मेल डांसर रिसेम्बलिंग लॉर्ड शिवा वाज फाउंड हियर। शिव जी की इमेज यहाँ पे मिली है, ये ऐसे कह रहे हैं जो डांस कर रहे हैं जिसके अंदर। ठीक है, फिर कालीबंगा बात करें, कालीबंगा इज ए वेरी फेमस, यू नो, ये राजस्थान में है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है, जहाँ पे हम रहते हैं उससे बिल्कुल पास में है ये। तो ये कालीबंगा में जुते हुए खेत मिलने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, ये कहते हैं किसी थर्ड कैपिटल सिटी भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट साइट फॉर बैंगल्स एंड बीड्स मैन्युफैक्चर। ठीक है, और यहाँ पे ना ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं, ऊंट की हड्डियां। तो जब जिस चीज की हड्डियां मिल रही, ऑब्वियसली वो उस टाइम पे पर्टिकुलर उसका जांच की, जांच इन द सेंस कि उनका जैसे कोई भी चीज का टाइम पीरियड बताने के लिए साइंटिफिक जो थ्योरी होती है ना, वो C14 होता है, कार्बन 14 से उसके टाइम पीरियड का पता लगता है। तो ऊंट की हड्डियां का साक्ष्य मिला, मतलब ऊंट का उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में इस्तेमाल होता था। ठीक है, फिर नो एविडेंस ऑफ अ वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस कुड बी ट्रेस्ड हियर। सॉरी, बिगेस्ट कल्टीवेटर लैंड लिस्ट बुरियल ब्रिक चैम्बर्ड बुरियल। मतलब कि कैसे सावधान करते थे, ब्रिक चैम्बर्ड वाले बुरियल था। ठीक है, और कल्टीवेटेड लैंड थे। जब मैंने कहा जुते हुए खेत मिले, मतलब कि प्रोडक्शन होता था, मतलब प्रोडक्शन होता था, खेती होती थी। ठीक है, और ऊंट है, ऊंट मिले हैं, कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, और ऑब्वियसली हनुमानगढ़ राजस्थान में है। और ये प्रोटो हड़प्पा और हड़प्पा दोनों का ये क्या नाम विटनेस रहा है। एक तो ये अपना कालीबंगा, और एक राखी गढ़ी, नहीं सॉरी बनावली, ये दोनों ना प्रोटो हड़प्पा और क्या नाम, प्रोटो हड़प्पा और हड़प्पा के विटनेस रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको, मेरे को जरूरत नहीं है वैसे इतने बताने की, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको 50 बातें बताऊं, ठीक है, और आप मतलब महानुभाव इंटेलिजेंट लोग, क्या यार कौन पढ़ेगा, फालतू की वीडियो देख लेते हैं, 50 में से 10 चीजें भी याद रहेगी, 20 भी रहेगी, तो उसमें से 7-8 लिखोगे तो भी मार्क्स आ जाएंगे आपको, इतने अच्छे पूछे मत। तो वही बात है, अगर वीडियो देखोगे तो भी काम चल जाएगा। बाकी मैं नोट्स बनाऊंगा इसके, आपको जरूर मैं इसको, आप नोट्स भी आप तक पहुंचे ये मैं मेक श्योर करूंगा। कंसाइज नोट, मतलब कि एक पेपर में ना 5 यूनिट, और 5 यूनिट के 10 पेज के नोट्स, और मैं उसमें 10 पेज में कम से कम 6 या 7 क्वेश्चन के अच्छे से शॉर्ट नोट बना दूंगा। क्योंकि एक साल में अगर आप सिर्फ 10 पेज मतलब एक पेपर के लिए पढ़ना हो तो कोई ज्यादा नहीं है, 10 पेज मतलब ऐसे आगे पीछे 10, ऐसे बिल्कुल वैसे, या फिर मैक्सिमम अगर आगे पीछे करके, अगर सिंगल पेज अगर इसको एक मानोगे तो ऐसे 7 पेज मैक्सिमम मान लो, 7 पेज के अंदर आपको पूरे नोट्स बना के दे दूंगा। 7 पेज पढ़ो और 7 चौके 28, मतलब मैक्सिमम 30 पेज मानो। एक साल में आपको सिर्फ 365 दिन में अगर आपको 30 पेज पढ़ने हैं, और आपको एमए हिस्ट्री का अच्छे स्कोर, वो भी 70-80%, 90% तक आपको कवर कर रहा है, तो कवर तो 100% करूंगा। और मार्क्स आपके देखो 70%, 60-70% के पास, या 75, जितने भी आपकी कैपेसिटी है कि उसको कन्वर्ट कर सको मार्क्स में, तो सोचो कितना बेहतरीन है। ये सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ मैं, और आप लाइक भी नहीं करते शेयर भी नहीं करते, खैर आपकी मर्जी, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप अपने कर रहे हो, ये ना कर्म की थ्योरी। चलो छोड़ो, अब हिस्ट्री में जाएंगे तो यार ऐसे ही होगा, बहुत चीजें आपको बताऊंगा मैं। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट यू नो टू डिस्कवर द न्यू थिंग्स, आप फैक्ट्स में समझो हिस्ट्री को। चलो फिर हट रहे लिख से, हटेंगे नहीं, बिल्कुल फोकस रहेंगे। बनावली बातें हैं, बनावली हरियाणा में है, मैंने आपको बताया, और बनावली मैंने कहा कि प्रो ये भी प्रोटो हड़प्पा और हड़प्पा टाइम पीरियड का विटनेस रहा है, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए इसके बारे में। और यहाँ पे जौ के अवशेष मिले, जो जो क्रॉप है जौ, उसके अवशेष अच्छी मात्रा में मिले हैं। और लोथल, लोथल है, फिर हम पढ़ते हैं गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, वैसे भोगवा नदी के किनारे माना जाता है, और ये पोर्ट सिटी है, यहाँ पे पोर्ट था, तो ऑब्वियसली कि पोर्ट है तो समुन्द्र से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए बेहतरीन जगह है, और अलग अलग देशों तक कॉन्टैक्ट बनाने की बेहतरीन जगह है। तो
तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स का सेंटर पॉइंट माना जाता था, ठीक है। मेजर सेंटर फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स मैंने बता दिया, फर्स्ट टू कल्टीवेट राइस बाय 1800 BC, और पहला ऐसा स्थान था जहां पर कि चावल के उत्पादन के कल्टीवेशन के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, जो कि 1800 BC 1800 BC 1800 BC के आसपास हमें मिले हैं, ठीक है। ये डोकयार्ड है यहाँ पे, युगल शवदान मिला है, डबल ब्यूरियल मिला है यहाँ पे, कि दो लोगों को एक साथ दफनाते थे। और जब मैं बात कर रहा हूँ दफनाने की, तो आपको एक बात बताता हूँ, माना जाता है कि इनको ना नॉर्थ साइड में इनका फेस रखा जाता था और साउथ साइड में इनको पैर वगैरह होते थे, क्योंकि नॉर्थ साइड में सिर रख के सिर दफनाते थे। कहते कि नॉर्थ साइड में ना कैलाश पर्वत है, शिव जी है, इसलिए उस तरफ पैर नहीं कर सकते आप। तो इसलिए आप यहाँ पे जो नॉर्मली जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, वो नॉर्थ साइड में पैर रखना, सॉरी सर रखना, और राइट साइड में उनके पैर होते थे, ठीक है। और यहाँ पे मॉडर्न डे जो चेस का गेम हम खेलते शतरंज, वो भी इधर मिले हैं हमें, इसके साक्ष्य मिले हैं। और रिस्क हस्क मिला है यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ मिले हैं जिसे हम मेजर कर सके एंगल्स को 45 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, ठीक है। और फायर एल्टर्स मतलब कि हवन के, जो हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं हमें यहाँ पर लोथल में। और बस इतना ध्यान रखना, इट हैड अ बिल्डिंग विद द साइड एंट्रेंस एज वेल, सो दिस इज द बेसिक थिंग, यू नो यू शुड रिमेम्बर दैट दिस फैक्ट। जब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सो सूरकोटड़ा एक जगह है गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे, जगपत जोशी, ठीक है, इन्होंने इसकी खोज की। और यहाँ पे कहते हैं कि हॉर्स के स्केलेटन मिले हैं, मतलब कि घोड़े के कंकाल वाले अवशेष मिले हैं। वैसे घोड़े का इस्तेमाल होता नहीं होता बहुत ही संदेहास्पद है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, मतलब कुछ राइटर्स कहते हैं, कुछ प्रमाण कहते हैं कि कोई भी घोड़े के मिले साक्ष्य नहीं मिले, इन्होंने लिखा जरूर है लेकिन कहीं भी माना नहीं जाता, क्योंकि एक टेराकोटा की मूर्ति जरूर मिली है घोड़े वाली, बट क्या पता, इसके कुछ बहुत कंफ्यूजिंग इफेक्ट है ये। सो हाँ, गाय वाला आप शोरों कह सकते, गाय गोय का कुछ नहीं मिला अपने को, बहुत जगह मैंने देखा गाय का, बिल्कुल मना करते हैं कि गाय का अवशेष का कोई भी गाय थी, इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। फिर रंगपुर बढ़ते हैं, ये भी गुजरात में है, जो सेकेंड साइट है जहाँ पे राइट कल्टिवेशन का साक्ष्य मिला है, इसे अरुण स्टेन साहब थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। और धोलावीरा, ये धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट साइड है, यू नो मतलब कि जब मैं बात कर रहा हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो दो तीन साइड जो मेरे को सही में बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, और जो इंपॉर्टेंट है भी, जिसमें से हड़प्पा और मोहनजोदारो है, जो थर्ड वन है वो अपने कालीबंगा, एक धोलावीरा और लोथल, क्योंकि लोथल तो पोर्ट सिटी है ना। तो धोलावीरा है, ये भी क्या है, गुजरात में है, इसे डॉक्टर बिस्ट साहब ने इसे खोजी थी। बिस्ट साहब ने दो खोजी, एक बनावली खोजी है डॉक्टर बिस्ट ने, और एक ये खोजी है बनावली थी अपने बनावली हरियाणा, हरियाणा में कौन सी रिवर जो लुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी। राजस्थान में कौन सी नदी है जो कि कालीबंगा किसके किनारे स्थित है, अपनी गगर नदी किनारे, ठीक है। जब मैं हड़प्पा की बात कर रहा हूँ तो रावी नदी, और वो भी लेफ्ट बैंक ऑफ रावी रिवर। और जब मैं मोहनजोदारो की बात कर रहा हूँ तो राइट बैंक ऑफ, बताओ कौन सी, इंडस रिवर। और जब मैं चंद्रहूड़ो की बात कर रहा हूँ तो लेफ्ट बैंक ऑफ इंडस रावी, ओके। सो दिस इज सो इजी, ठीक है। तो धोलावीरा की बात कर रहा हूँ, गुजरात में है, डॉक्टर बिस्ट ने खोजा, और बिगेस्ट इंडस वैली साइट है पाकिस्तान में। और जब तक, अब तो जो राखी गढ़ी की खोज होगी, तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थान है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, पहले धोलावीरा था, ठीक है। और एक रोपड़ है जगह, आपको उसका पता होना चाहिए, पंजाब में है, और कौन सी सतलज नदी पे है, पंजाब में है। यहाँ पे कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य हमें मिले हैं, और ह्यूमन ओवर बिट बुरेली छोड़ा। जो रोपड़ है ना, फिर रोपड़ का मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। रोपड़ एक यू नो रामसर साइट है। रामसर साइट क्या होता है कि रामसर एक जगह है ईरान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईरान में 1971 में एक कॉन्फ्रेंस बैठी थी जिसमें कि वेटलैंड जो आर्द्रभूमि बोला जाता है, उसके संरक्षण से संबंधित एक कन्वेंशन हो, उसके अंदर है ना भारत ने 26 साइटों को डाली थी, अब 27 हो गई है। अब नई जो साइट है आई थिंक सुंदरबन है, जो कि सबसे बड़ी वेटलैंड साइट है इंडिया की, इससे पहले वेमनाथ जो केरला में है वो थी, और अब रोपड़ है वो भी एक वेटलैंड साइट है जो कि पंजाब में है। और पंजाब में इसको क्या नाम है, सो एक पंजाब में रोपड़ जगह है, और एक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी का पार्ट था, ओके। सो दिस इज
बेसिक थिंग ये तो जो थी, मैंने आपको साइट्स के बारे में बताया, साइट से रिलेटेड जो फैक्चुअल चीजें थी बताया, साइट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थिंग्स थी बताया। सो जब इंडस वाली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आएगा, आईवीसी पे क्वेश्चन आएगा, तो आपको कहीं भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको ना आराम से एक बार देख लो ना, बेहतरीन लगेगा लेक्चर, क्योंकि मैं बोर नहीं करता आई होप। और मैंने बताया इससे रिलेटेड आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स थे, इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, इससे रिलेटेड जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या चीजें जो भी कह दो बताया। और इसके अंदर आप फिर भी थोड़ी बहुत और चीजें देख लेते हैं ऊपर से कि कुछ बचा है या नहीं। जैसे मैंने बताया अर्बन लाइफ, यूनिफॉर्म इन टाउन प्लानिंग जो मैंने बता दिया, ग्रिड सिस्टम था, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेंसेज जो सड़कें काटते थे, वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम, फिर वही बातें फूड हैबिट। और फूड हैबिट बताता हूँ, ये वेजिटेरियन भी थे और नॉन वेजिटेरियन भी थे। और वीट, वीट मतलब गेहूं, यस गेहूं, और जो के मतलब उत्पादन करते थे। और इसमें ये आदमी और औरत दोनों फैशनेबल थे, मतलब इसमें लिखा है बोथ मैन एंड वुमन वर हाईली फैशनेबल, दे एंजॉयड पुटिंग अप डिफरेंट हेयर स्टाइल एंड एक्सेसरीज एज वेल। ओके, तो उनकी हॉबीज क्या थी? डांस, बुल फाइटिंग मतलब फिशिंग, डांसिंग एंड बोट रेसिंग। जब मैं बुल फाइटिंग की बात कर दो ना, तो कंबाला याद आता। कंबाला कहाँ पे? कर्नाटक में। जल्लीकट्टू कंबाला तो रेस होती है, सॉरी। और जो बुल फाइटिंग वाला जो है जल्लीकट्टू, वो तमिलनाडु में मनाया जाता है फेस्टिवल, वही 14-13 जैन को, जो कि मकर संक्रांति वाले टाइम मनाए जाते हैं। सो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, कहा था कि इलीगल है, बीच में बंद कर दिया था, फिर स्टार्ट कर दिया। सो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप ऐसे मैं सोच रहे कि ऐसे पका रहा हूँ क्या अब तक, हाँ मतलब आपके ये काम आ जाए, ठीक है। फिर मैंने बताया आंशिक शवदान भी मिले हैं, और मैंने बताया नॉर्थ साइड में उनका सर होता था दफनाते टाइम, ये वही चीजें हैं। फिर से वो शिवजी वाली बात बता दी। इसमें इकोनॉमी कैसी थी? एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, खरीफ और रबी क्रॉप दोनों ये क्या करते थे, क्रॉप का कल्टिवेशन करते थे, और इरिगेशन सिस्टम बेहतरीन था। क्या बात है सर, वही चीजें। हाँ, ट्रेड एंड कॉमर्स का बताया, तो जो हम अलग अलग जगह जो करंट ट्रेड एंड कॉमर्स था, शिपिंग से करते थे, मैंने बताया आपको, तो इसके साक्ष्य क्या? क्योंकि मेसोपोटामिया में गोल्ड हम इंपोर्ट भी करते थे कहीं से, मेसोपोटामिया से परफ्यूम से ग्रीस से परफ्यूम सॉरी, और सुमेरिया से सिल्वर, इजिप्ट से डायमंड, मंगोलिया से सैंड स्टोन्स, ठीक है, राजस्थान की खेतड़ी से हम तांबे मंगाते थे, ठीक है, और कॉपर के जो खान है खेतड़ी राजस्थान वाला। और इंडस वैली सील्स वर फाउंड इन मेसोपोटामिया, वहां पे मिले हैं हमें इंडस वैली सील्स, क्योंकि हम ऑब्वियसली सील मिले हैं, और इवन कुछ बार्टर सिस्टम जो बोल जाता है कि वस्तु को विनिमय प्रणाली थी, और सील भी मिले हैं कि हम कुछ चीजें मंगाते थे तो उसके बदले वो करेंसी के रूप में सील्स का उन्हें दे देते थे। और धर्म वैसे देखा जाए ना, कोई टेम्पल वगैरह कुछ खास मिला नहीं है, हाँ बट आइडिया लगाया जाए तो कि मातृ देवी की जो है उतना ज्यादा प्रमुखता से नहीं है, लेकिन एक जो है मातृ देवी की मूर्ति वगैरह मिली है, जो कि पृथ्वी माता की माना जाता है कि वो मूर्ति थी, और शिव पशुपति शिव वाली वो सील मिली, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और पशुपति शिव वर्शिप ऑफ, हाँ, जानवरों की पूजा की जाती थी, जिसमें हम्पलेस बुल वो इम्पोर्टेंट माना जाता है, ठीक है, स्नेक वर्शिप भी था, ठीक है, पेड़ों की पूजा करते थे, पत्थर की पूजा करते थे। यू नो वट, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर पेड़ों की पूजा की जाती है, जानवरों की पूजा की जाती है, मंदिर में मतलब भगवान की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है, और सांपों की पूजा की जाती है, और प्रकृति पूजा की जाती है, बहुत चीजों की पूजा करते हैं हम, बहुत ज्यादा धार्मिक है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें इसके अपोजिट भी हो जाती है, यू नो, कि इतनी पूजा करते हो फिर भी रेप्स इतने क्यों होते हैं इंडिया में, नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। देवी पूजा करते हो आप, लड़कियों की पूजा करते हो, कंचक पूजते हो आप, फिर रेप क्यों करते हो? सोचो इस बारे में कभी बैठ के, यू नो, सब नॉलेज किताबों में नहीं होता, जब आप अपनी मेंटेलिटी को डेवलप कर लोगे ना, तो आप बहुत कुछ करोगे लाइफ में, है ना, बिल्कुल हम सीखेंगे और बहुत ज्यादा अच्छा काम करेंगे अपनी सोसाइटी के लिए, बिल्कुल करेंगे। तो फिर आर्ट फॉर्म्स क्या है? तो वही सील्स मिली है, और पोटरी मिली है, BPW ब्लैक पॉलिश्ड वेल, ठीक है। सील्स कौन सी है? सैंडस्टोन से बनी हुई सील, जिसे कहते हैं कि सॉफ्ट रॉक से बनी हुई है, ये छोड़ो आप
और टेराकोटा मिली है, इसमें कि मिट्टी से मिले हुए बच्चों के लिए खिलौने वगैरह मिले हैं। इमेजेस कौन सी मिली है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वाली जो मैंने बताया, कहाँ से मिली थी अपने को, मोहनजोदारो से। यस, जहाँ से मोहनजोदारो से पशुपति शिव शिव की सील मिली है, सॉरी, तो वहीं से हमें ब्रॉन्ज इमेज मिला है। और बोस्ट ऑफ एडन वाला आपको बता दिया। फिर हाँ, जब यही चीजें थी, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट्स थे, जो मैंने डायमेंशन थे, वो मैंने कवर करने की कोशिश की। और जब मैं बात कर रहा हूँ ये सभ्यता, अब सभ्यता खत्म क्यों हुई, बहुत सारे रीजन माने जाते हैं। कहते हैं, कोई कहते हैं कि हर साल ना सिंधु घाटी में बाढ़ आती थी, प्रोडक्शन तो इसलिए था ना कि बाढ़ आती थी, तो जो अब जियोग्राफी आ जाती है, यू नो, सब चीजें एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड है। आप उस चीज को कैसे कनेक्ट कर पाते हो वो इम्पोर्टेंट है। जब मैं कह रहा हूँ कि सब चीजें कनेक्टेड है, तो इसका रीजन है, जब सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी जब थी, चल रही थी सिविलाइजेशन में, जब हर साल बाढ़ आती है, तो उन्होंने क्या किया कि एक बड़ी सी दीवार बना ली थी, ताकि उस बाढ़ को रोका जा सके। और जो बाढ़ आती थी अपने साथ पानी लाती थी, तो उसके साथ कंकर पत्थर वगैरह लेके आती थी, और जिसके कारण जो हर साल बाढ़ आएगी तो जो मिट्टी है वो फर्टाइल होती रहती थी, वो जो ऊपर वाली लेयर उतर जाती थी, और जो मतलब कंकर पत्थर लाते थे तो वो प्रोडक्टिव होते थे, जिसके कारण क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। जो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये जैसे बांगर और खादर जो हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में टर्म्स होते हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, ऑब्वियसली अपने लिए तो एक्सपोर्ट, अपने लिए तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो, बाजार के लिए, मार्केट के लिए भी कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट करने लगे, इसलिए आप इसलिए इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन इतनी ज्यादा प्रोस्पेरस थी, इतनी ज्यादा समृद्ध थी, इतनी ज्यादा रिच थी हर चीज में, हर मायने में। सो दिस इज, यू नो, बेसिक थिंग, दिस इज अ बेसिक फैक्ट, आपको समझना चाहिए। इन सब के पीछे एक कारण नहीं होता किसी सभ्यता के, किसी सिविलाइजेशन के डेवलप्ड होने के, सभी फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर बता दिया आपको, हिस्टोरिकल फैक्टर तो आपको बता ही दिया, और ह्यूमन फैक्टर बता दिया कि प्रोडक्शन करेंगे, लालच और मतलब पैसा कमाएंगे, ट्रेड एंड कॉमर्स, और प्रोडक्शन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए बढ़िया शिपिंग रूट है भाई साहब, अपने पास शिपिंग रूट है, अपने चलो शिप से, चलो अपने मेसोपोटामिया, चलो इजिप्ट, क्या नो, बहुत इजी इजी चीजें हैं। हाँ, क्या मानते कि क्या कारण थे कि ये सभ्यता नष्ट हो गई या फिर सभ्यता खत्म हो गई? कुछ लोग कहते हैं कि आर्य आए थे, वैसे आर्यों ने आक्रमण किया और सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसे ऐसे कर दी, खत्म कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेटिक कारण थे, कुछ लोग कहते हैं भूकंप आए, कुछ लोग कहते हैं बाढ़ आए। सो देर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसके कारण ये सभ्यता का यू नो अंत हुआ। तो इसमें हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि आर्य का आक्रमण हुआ, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ अ साइट ड्यू टू फ्लड्स, बाढ़ के कारण हुआ, भूकंप के कारण हुआ, या पारिस्थितिक में परिवर्तन हुआ, फॉरेस्ट का कटाई हुई। जब यार देखो, आप प्रकृति के साथ खेलोगे ना, नेचर के साथ खेलोगे, तो नेचर आपके साथ जरूर खेलेगा। जब लालच, इंसान यू नो, लालच हमेशा बुरा होता है, अति सबका बुरा होता है। जब लालच आ गया तो पेड़ों को काटने लगे, पेड़ों को काट के आप मानव हितों की पूर्ति होने लगे, तो इकोलॉजिकल जो इस्टेब्लिशमेंट जो बैठा हुआ था वो अनस्टेबल हो गया। जब अनस्टेबल हो गया तो यू नो वो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस चल रहा था वो एक तरीके से रुक गया। और जब फिर बाढ़ आएगी, पहले यू नो ये जो चीजें होती है ना, जो पेड़ वगैरह, ये बाढ़ को रोकने का बहुत बड़ा बढ़िया काम करती है। जब फॉरेस्ट ही आपने काट दी तो बाढ़ को रोकेगा कौन? वो तो आएगी, वो तो आपके घर परिवार, आपके मकान, आपकी सभ्यता सबको नष्ट करके जाएगी। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन माना जाता है कि ये सभी ने मिलकर काम किया, ये सभी ने फैक्टर से मिलकर काम किया और सभ्यता का पतन का कारण है। तो जो प्राकृतिक कारण है, जो बाढ़ है, जो भूकंप है, और जो आर्यों का आक्रमण है, जब भी सभी, और जलवायु, जलवायु परिवर्तन है, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज है, ये सभी फैक्टर से मिलकर साथ में काम किया और सभ्यता का पतन में के वे मुख्य कारण बने। सो ये जो चीजें हमें पढ़ी, यही सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो पढ़ने को तो अपने 2 घंटे चला लो, 3 घंटे चला लो, क्लास तो खत्म होगी नहीं। लेकिन इस चीज में आप जो गेन करोगे, और उसको अच्छे से आप लिखना, उसका आप चार्ट का यूज करना, ठीक है, और अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में लिखने का प्रयास करना, तो ये आपके MSI 05 का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर, और UPSC में भी क्वेश्चन बनता है, मैंने बताया आपको। सो इसमें अगर कोई डाउट हो, अगर कुछ लगे कि मैंने गलत बोला, मतलब कि, या फिर कुछ आपने कुछ कहीं और कुछ पढ़ा और मैं कुछ और पढ़ा, तो मेरे को जरूर बताइएगा। और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, और नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूंगा आपको जल्द से जल्द। और इस रेडियो में हमने ट्राई किया इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को कवर करने को, उसके अलग अलग डायमेंशन को टच करने को। सो
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, सॉरी चैनल को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।